मणिपुर और असम में चक्रवात त्रेमल से बारिश और नदियों के उफान के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। रोड और यातायात प्रभावित होने से जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। मणिपुर के एक मंत्री ने बताया है कि चक्रवात त्रेमल के बाद लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ से कुल 1,88,143 लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से बाढ़ से कम 24,265 घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। जल संसाधन और राहत एवं आपदा प्रबंधन मंत्री अवंगा गोबे न्यूमाइम ने बताया है कि कुल 18,103 लोगों को निकाला गया है और 56 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। कुछ दिन पहले रेमल के बाद किस तरह के हालात जो हैं वो बनते हुए मणिपुर में नजर आए, जहां पर आप देखिए किस तरह से गलियों में सड़कों पर जो है वो लबालब पानी भरा हुआ है। बोट यहां पर नजर आ रही है और इसी बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। मणिपुर में बाढ़ से भयावह हालात जो हैं वो बने हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, जो लोग घर में फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है। निबिर डेका असम से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। निबिर, क्या जानकारी है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, आपके पास क्या अपडेट है, क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं असम में? देखिए, साइक्लोन रिमल के वजह से जो है पूरा उत्तर पूर्व में जो है बहुत सारे समस्या फेस करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा जो मिजोरम में हमने देखा है कि 30 से अधिक लोग का डेथ हुआ है, और मेघालय में भी बहुत सारे लैंडस्लाइड्स और लॉकस्लाइड्स भी हुए हैं, और मणिपुर में जो है गंभीर स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जो मेन पानी है वो आपके पूरे इम्फाल शहर में और पूरे इम्फाल में अंदर घुस गया है। आप देख सकते हैं, ऐसे भी तस्वीरें आ रही है कि गवर्नर के घर के अंदर भी पानी घुस गया है। इसी कारण जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं। जो लोग वल्नरेबल एरियाज में हैं उनको लेके जो है हाईलैंड एरियाज पे लेके जा रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो रिमल के वजह से जो लगातार बारिश हो रहा था, तूफान आ रहा था, उसके कारण पूरा जो है पानी अंदर आ गया है, और अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं। जितने भी लोग हैं जो रिलीफ कैंप्स में हैं उनको खाना दिया जा रहा है। हालांकि अभी कोई डेथ का न्यूज़ नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस विषय के ऊपर काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चक्रवात रेमल से असम समेत 9 राज्य प्रभावित हुए हैं। प्रभावित राज्यों के लिए पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, प्रभावितों के लिए मेरी प्रार्थनाएं, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। केंद्र सरकार ने सहायता का आश्वासन दिया है, ये पीएम की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो 9 राज्य जो प्रभावित हुए हैं रेमल तूफान की वजह से, केंद्र सरकार ने सहायता का आश्वासन इन राज्यों को दिया है, और साथ ही प्रभावित राज्यों के लिए पीएम मोदी की तरफ से पोस्ट आया है, प्रभावितों के लिए मेरी प्रार्थनाएं। तो केंद्र सरकार ने सहायता का आश्वासन दिया है। देखिए, रेमल की वजह से 9 राज्य जो है वो प्रभावित हुए हैं, और रेमल तूफान के बाद किस तरह से लगातार बारिश हुई, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, असम में जल तांडव देखने को मिला है। सड़कें जो हैं वो पानी में लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं, और कैसे जो है वो बोट के जरिए आप देख सकते हैं कि यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, और जो लोग ऊंची मंजिलों में रहते हैं उन्हें इसी बोट के जरिए जो है वो खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जा रही हैं।